हेलो बच्चों, आज की क्लास है आपकी क्यूब, और क्यूब का बेसिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज इसका पार्ट थर्ड है। आज की क्लास में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। इसके पहले जितने भी पार्ट मैंने पढ़ाया है, अगर वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, उन पर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा, तभी आप आज के प्रश्नों को सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं फटाफट प्रश्नों की श्रृंखला पर और लेकर आते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने। ठीक है, तो चलिए देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या कहता है आपसे। फटाफट एक बार देखते हैं कि आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या होने वाला है। एक मिनट रुक जाइए, फिर प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन तब तक आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 8 मीटर भुजा वाले एक बड़े आकार के घन को 2 मीटर भुजा वाले कितने घनों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि 8 मीटर भुजा वाले एक बड़े आकार के घन को, तो बड़े आकार की भुजा वाले घन का के कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, और छोटा आकार वाला घन कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। तो पहले तो n की वैल्यू निकालेंगे। n बराबर क्या होता है, n बराबर क्या होता है बच्चा, मैंने फार्मूला बताया था लास्ट क्लास में कि n बराबर होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, बड़े घन की भुजा कितनी है 8 और छोटे घन की भुजा कितनी है 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया n कांस्टेंट की वैल्यू। अब देखो आपसे पूछ रहा कि कुल कितने घनों में, तो कुल घनों की संख्या बराबर होता है n क्यूब, और n की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, 2 का क्यूब, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा था कि 8 मीटर भुजा वाले बड़े आकार के घन को छोटे, तो यहाँ पे 4 आया ना, ये 4 रखोगे ना, सॉरी 2 कहाँ से रख दिए। चलो बच्चा यहाँ पर क्या रखोगे भाई, n की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है ना, n की वैल्यू जब 4 आई है तो यहाँ पे क्या रखोगे आप, 4 रखोगे, 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 कितना हो जाएगा, 64। तो कुल आपके प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 64 घन आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, n बराबर बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, तो बड़े घन का कितना था, 8 सेंटीमीटर का था, कितने छोटे घनों में, 2 सेंटीमीटर वाले, तो 8/2 वैल्यू आ गई 4। अब कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है n क्यूब, n की वैल्यू 4 आई है, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्लियर है, बताइए क्लियर है ना। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि एक घन को काट कर 216 घन बनाए गए, तो कितने बार काटने की आवश्यकता होगी। तो देखो आपका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ कटिंग बराबर 3(n-1)। ये तो फार्मूला होता है। ठीक है, अब सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी होगी। n की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आपको पता है कि कुल घनों की संख्या बराबर किसके होता है, n क्यूब के होता है, और n क्यूब बराबर किसके है, 216 के हैं, तो n बराबर किसके हो जाएगा, 6 के हो जाएगा। यहाँ पे 6 रख दीजिए, 3, 6 माइनस 1, तो 3 × कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और कितना बार आ जाएगा, 15 बार आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6-1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 × 15 बार, तो कितने बार काटने की आवश्यकता पड़ेगा, ये होगा कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी बच्चा, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 बार आपको काटने की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है ना, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ, क्लियर है सभी लोगों का। चलिए अगले प्रश्न पे चले, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो था बेसिक, आप सबसे पहले लेते हैं केवल तीन सतह रंगीन घन। अब आपको मालूम है कि केवल तीन सतह रंगीन घन
केवल तीन सतह रंगीन घन, केवल तीन सतह रंगीन घन हमेशा हमेशा कोने पर, हमेशा कोने पर जिसको कहते हैं क्या कॉर्नर, हमेशा कोने पर मिलते हैं, हमेशा कोने पर मिलते हैं, हमेशा कोने पर मिलते हैं। एक घन में इनकी संख्या, एक घन में इनकी संख्या, इनकी संख्या आठ होती है, आठ होती है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे केवल तीन सतह रंगीन घनों की संख्या पूछा जाए, केवल की बात कर रहा हूँ, केवल तीन सतह रंगीन घनों की संख्या पूछा जाए, तो एक घन में इनकी संख्या कितनी होती है, आठ होती है। ये मैक्सिमम शर्त है, अधिकतम, इससे कम हो सकती है। आठ कब होगी, जब घन के सभी सरफेस को कलर करोगे। ठीक है, आठ घन कब मिलेंगे, जब घन के सभी सरफेस को कलर करोगे तो इनकी संख्या आठ हो जाएगी। ठीक है, जब घन के सभी सरफेस को कलर करोगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा, आठ हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट देखिए, कुछ आइडिया लग रहा हो तो बताओ पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए, देखिए क्या कह रहा है कि एक घन के एक सतह पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर क्या है, लाल रंग है। तो पहले तो इसके हिसाब से फिगर बना लेते हैं हम लोग, इसके हिसाब से फिगर बना लेते हैं। एक हमने ओपन डाइस बना लिया, मैंने बताया था ना कि इन टाइप के प्रश्नों को बार बार आपको क्या बनाना पड़ेगा, ओपन डाइस बनाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं प्रसारित पाशम। अब कह रहा है कि एक घन के एक सतह पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर क्या है, लाल रंग है। तो शेष सतहों पर रेड कलर है और एक कलर, एक सतह को हमने छोड़ दिया। अब ये आप कोई भी छोड़ सकते हो, इसको 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 कोई भी छोड़ सकते हो। अब कह रहा है इसको 27 घनों में काटा जाता है, तो देखो 27 घनों में काटा जाता है तो उसको कोई हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर n का, n की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्ट होता है कि एक घन में तीन सतह रंगीन घन अगर सभी कलर होते, अगर ये सभी रेड कलर से कलर होते तो आँख बंद करके इसका आंसर आठ हो जाता। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि केवल तीन सतह रंगीन घन, और केवल तीन सतह रंगीन घन कहाँ पे मिलेंगे, कोने पे मिलेंगे। ठीक है, एक घन में इसकी संख्या आठ होती है कब, जब ये सभी कलर होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक कंडीशन डाल दिया कि केवल क्या है, एक को छोड़कर बाकी सब कलर है। तो अब हमको चेक करना पड़ेगा हर कोने को उठाकर कि उसका तीनों सरफेस कलर है या नहीं। तो देखो ये हमारा होगा पहला कोना, क्या इस कोने पे मिलने वाले जितने भी सरफेस हैं वो कलर हैं या नहीं है। तो आप कहोगे सर नहीं कलर है, क्यों, देखो आपका इस पे ये सरफेस मिलता है, ये मिलता है और ये मिलता है, ये आके मिलता है, लेकिन ये आपका क्या है, कलर नहीं है। तो ये जो कोना मिलेगा इसका दो ही सरफेस कलर होगा, इसी तरह ये जो कोना मिलेगा इसका दो ही सरफेस कलर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो कलर है, ये भी कलर है, लेकिन जो ये आके मिलता है ये आपका क्या है, ये आपका ब्लैंक है। इस चीज़ को हमने पहले क्लास में बिल्कुल विधिवत पढ़ा रखा है, और मैं वहाँ पर बार बार इसीलिए कह रहा था कि इम्पॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर उसका यूज होने लगा। ठीक है, तो ये दोनों कलर तो हमको C2 मिल गए, C2 का मतलब ऐसे कॉर्नर जिसके कितने सरफेस कलर हो, दो सरफेस कलर हो। अब आते हैं इस पर, अब देखो ये ऐसा कॉर्नर है जिसका क्या है, तीनों सरफेस कलर है, तो ये आपका C3 हो गया। इसी तरह ये आपका क्या है, इसका भी तीनों सरफेस कलर है, तो ये भी आपका क्या मिल गया, C3 मिल गया। इसी तरह ये आपका क्या है, इसका भी तीनों सरफेस कलर है, तो ये भी आपका C3 मिल गया। इसी तरह इसका भी तीनों सरफेस कलर है, तो ये भी आपका क्या मिल गया, C3 मिल गया। अब देखिए जब इसको आप चेक करोगे तो ये दो कलर है, ये ब्लैंक है, तो ये भी आपका क्या मिलेगा, C2 मिलेगा। और ये दोनों कलर है और ये ब्लैंक है, तो ये भी आपका क्या मिलेगा, C2 मिल गया। तो अगर आपको प्रश्न में पूछा जाए कि ऐसे कितने घन मिल रहे हैं जिनका तीनों सरफेस कलर है, तो आप सीधा कहोगे कि सर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस प्रश्न में हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, चार घन ऐसे मिलेंगे जिनका तीनों सरफेस क्या होगा, जिनका तीनों सरफेस कलर होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। चलिए क्लियर है ना, चलिए चलिए अगले प्रश्न पर।
चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक घन के दो पड़ोसी सतहों पर कोई रंग नहीं है, ठीक है। चलो एक आपका घन है, कह रहा है कि दो पड़ोसी पर कोई रंग नहीं है। दो पड़ोसी कोई भी ले लेते हैं, ये दोनों पड़ोसी हैं, ये दोनों पड़ोसी, ये दोनों पड़ोसी है, ये और ये पड़ोसी है, ये तो कोई दो, तो इन्हीं दो को ले लेते हैं, इन पे कोई रंग है, शेष पे लाल है, शेष को लाल रंग से रंग दो, इन दो पड़ोसी को छोड़ दो, ठीक है। इसे 216 घनों में काटा जाता है। अब देखो एन क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 216। भाई कुल घन क्या होता है, एन क्यूब, और एन क्यूब की वैल्यू 216, एन बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी केवल तीन सतह रंगीन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है केवल तीन सतह रंगीन होगी, तीन सतह रंगीन निकालते समय इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बार बार बता चुके हैं आपको, समझाने के लिए हमने यहाँ बना दिया। अब देखो पहला कोना ये है, क्या इस कोने की तीन सतह रंगीन है, तो आप कहोगे सर पहला तो रंगीन है, दूसरा ब्लैंक है, तीसरा, तो इसका आंसर क्या हो, ये क्या हो जाएगा, C2। इसी तरह इसका क्या है, तो ये आपका ब्लैंक है, ये आपका कलर है, ये भी आपका कलर है, तो ये भी क्या मिलेगा, C2 मिलेगा। इस तरह इस पर अब अगर आओगे तो ये दोनों ब्लैंक है और ये कलर है, तो ये आपका क्या मिलेगा, C1 मिलेगा। इसी तरह ये दोनों आपका कलर है, ये आपका ब्लैंक है, तो ये भी क्या मिलेगा, C1 मिलेगा। इसको उठाओगे तो ये आपका क्या मिलेगा, C2, क्योंकि ये दोनों कलर है और ये ब्लैंक है। इसी तरह ये दोनों कलर और ये ब्लैंक, तो ये भी क्या मिलेगा, C2 मिलेगा। और जब इसको उठाओगे तो ये क्या मिल जाएगा, C3 मिल जाएगा, और ये भी क्या मिल जाएगा, C3। इस पे देखो ये भी कलर, ये भी कलर, ये भी कलर, इस बिंदु पर ये भी कलर, ये भी कलर, और ये भी कलर, तो C3 की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चा, 2 मिल गई। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 2 घन, ठीक है। अगर इसको उठाते तो यहाँ पर इन दोनों को काउंट कर लिए हैं, तो इनको उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपका प्रश्न का आंसर आ जाएगा कि 2 घन ऐसे मिलेंगे जिनका केवल 3 सतह रंगीन होगा। और कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर उसी टाइप का प्रश्न है, एन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कंडीशन क्या रखा है फिगर के, कि एक घन है, शर्त क्या है, शर्त क्या कह रहा है कि दो पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है, दो विपरीत सतहों पर नारंगी और काला है, ठीक है। दो पड़ोसी पे क्या है, रेड कलर है, दो पड़ोसी पे रेड कलर हो गए, दो विपरीत सतहों पर नारंगी और काला है, अब एक पर ऑरेंज है और एक पर क्या है, ब्लैक है, कुल कितने घनों में काटा जा रहा है, 64। तो जब केवल तीन सतह निकालते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। अब आपको क्या कह रहा है, कैसे कितने घन मिलेंगे जिनकी केवल तीन सतह हो रंगीन होगी, ठीक है। तो देखो ये आपका पहला घन, इसकी कितनी सतह होगी, 2, क्योंकि ये कलर लेकिन ये ब्लैंक, ये भी क्या होगा, C2 होगा। अब देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, C3 आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, C3 आ जाएगी। इसको निकालोगे तो ये क्या होगा, C2 होगा, इसको निकालोगे तो ये क्या होगा, C2 होगा, ये आपका क्या होगा, C1 होगा, और ये भी क्या होगा आपका, C1 होगा, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न में आपके C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस प्रश्न में आपके C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, 2 आ जाएगी, क्लियर है ना। आपको एक एक देखो, अगर यहाँ पर सभी सरफेस कलर होते ना बच्चा, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक घन के दो पड़ोसी सतहों पर क्या हो गया, लाल हो गया, दो विपरीत पे क्या हो गया, नारंगी और काला हो गया, तो देखो अब जब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम इसको कलर कर रहे हैं तो केवल आपका 4 ही कलर मिल रहा है, ये 2 आपका छूट जा रहा। अगर ये भी 2 कलर होता तो जो मैंने नॉर्मल कंडीशन बताई थी बच्चा, कि एक घन पे अगर सभी सरफेस को कलर कर दिया जाए तो कुल मिलने वाले घनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। तो अगर ये सभी कलर होता तो आपके प्रश्न का आंसर 8 आता, लेकिन सभी कलर नहीं है तो फिर हमको एक एक कोना को उठाकर चेक करना पड़ेगा कि उस कोने पर मिलने वाले जितने भी सरफेस हैं उनका तीनों सतह कलर है या नहीं है। और कैसे कोने को चेक करते हैं, हर कोने पर कौन कौन सी सतह आकर मिलती है, इसको हमने पहली क्लास में डिटेल में आपको समझाया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा कि 2 ऐसे घन मिलेंगे जिनकी कितनी सतह रंगीन होगी, जिनकी केवल 3 सतह रंगीन होगी। चलो अगला देखो, अगला कह रहा है कि केवल 2 सतह रंगीन घन, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं,
केवल दो सतह रंगीन घन। अब केवल दो दो सतह रंगीन घन है वो कहाँ पर मिलते हैं? किनारों पर मिलते हैं। तो केवल दो सतह रंगीन घन का जो फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा एन माइनस टू इंटू किनारों की संख्या इंटू किनारों की संख्या और प्लस सी टू। ठीक है, सी टू का क्या मतलब है? मतलब ऐसे कोने जिनका कितना सरफेस कलर हो, दो सरफेस कलर हो, वो भी तो दो सतह रंगीन घन में आएंगे। भाई अगर सभी सरफेस कलर होते हैं तो हमको तो कोई कोना ऐसा मिलता ही नहीं है जो सी टू हो। सी टू का मतलब एक सी टू का मतलब ये एक ऐसा घन है जिसके कितने सरफेस कलर हैं, जिसके केवल दो सरफेस कलर हैं। तो हम इसमें सी टू को भी लेंगे और ये तो हमको मालूम ही है कि अगर दो सतह रंगीन घनों की संख्या निकालते हैं तो ये फार्मूला होता है एन माइनस टू इंटू किनारों की संख्या। ठीक है, तो अब सारे प्रश्न इसी फार्मूले पर सॉल्व होंगे। चलिए इसका हम लोग पहला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है। अब यहाँ पर आपको एन निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एन निकालना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, कुल 216 घनों में तो एन क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? 216, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। क्लियर है? चलिए अब कह रहा है कि तीन लगातार सतहों पर नीला रंग है और शेष सतह पर कोई रंग नहीं है। तीन लगातार सतहों पर, ठीक है। देखो ये घन हो गया, तीन लगातार सतहों पर नीला रंग है, ठीक है, ये लगातार है, ये तीन लगातार सतह, ठीक है, नीला रंग है, शेष सतह पर कोई रंग नहीं है, इसे 216 घनों में काटा रहता है, तो कुल घनों की संख्या 216 हो गई, तो इनकी वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। तो ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी केवल दो सतह रंगीन होगी? अभी मैंने बताया कि केवल दो सतह रंगीन घन की फार्मूला क्या होता है, केवल दो सतह रंगीन घन का फार्मूला होता है एन माइनस टू इंटू सतहों की संख्या, सॉरी एन माइनस टू इंटू किनारों की संख्या, क्योंकि दो सतह रंगीन घन केवल किनारों पर ही मिलते हैं ना। एन माइनस टू इंटू किनारों की संख्या इंटू किनारों की संख्या और प्लस सी टू। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें सी टू निकाल लें कि ऐसे कितने कोने हैं जिनका दो सतह रंगीन है। तो देखो ये पहला कोना, ये ब्लैंक है, ये कलर है, ये ब्लैंक है, तो ये मिलेगा हमको C1। ये दूसरा कोना, ये कलर, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, तो ये भी मिलेगा हमको C1। ये क्या हो जाएगा आपका? C2। ये भी क्या हो जाएगा आपका? C2। ये क्या हो जाएगा आपका? C2। ये भी क्या हो जाएगा आपका? C2। ये क्या हो जाएगा आपका? C1। और ये भी क्या हो जाएगा आपका? C1। ठीक है, तो अब हमको क्या लेना है? हमको C2 ही लेना है। और इस प्रश्न में C2 की वैल्यू कितनी है? 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न में C2 की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, प्लस n की वैल्यू हमने निकाल रखी है 6 माइनस 2 इंटू। अब हमको ऐसे किनारे लेना है जिनकी कितनी सरफेस कलर हो? 2 सरफेस कलर हो। अब अगर ये सभी कलर होता ना, ये सभी अगर रंगा होता, ठीक है, अगर इस घन के सभी पार्ट को हम लोग रंग दिए होते तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 12 होती है। लेकिन यहाँ पर सभी कलर नहीं है, तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ऐसे कितने किनारे हैं जिनके दो सरफेस क्या हैं? कलर हैं। तो चलो चेक करते हैं। ये पहला किनारा है और इसका क्या है? केवल एक कलर है। ये दूसरा किनारा, इसका क्या है? एक कलर है। अब देखो ये तीसरा किनारा, ये पहला आपका E2 मिल जाएगा, ये आपका E2 मिल गया। ठीक है, चलो देखो अगला देखते हैं। अगला ये भी आपका E1 मिलेगा, ये भी आपका E1, ये आपका E2 मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपका E1 मिलेगा, ये भी आपका E1, ये भी आपका E1, ये भी आपका E1, बाकी सब E1 मिलेंगे। आपको E2 कितना मिला? तो 1 और 2। E2 की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चा? 2 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 और ये 4 और 8 हो जाएगा, और 8 4 कितना हो जाएगा? 12 ऐसे घन मिलेंगे बच्चा जिनकी केवल क्या होंगी? दो सतह रंगीन होगी। ठीक है, समझ में आया कैसे निकालते हैं दो सतह? अगर आपसे प्रश्न में केवल दो सतह बोला जाएगा तो n माइनस टू कर लेंगे इंटू किनारों की संख्या,
प्लस सी टू। सी टू का मतलब यह है कि कुछ ऐसे कोने भी मिलेंगे जिनकी दो सतह क्या होंगी, रंगीन होंगी। ठीक है, क्लियर है ना बच्चा। चलो अब देखो क्या कह रहा है प्रश्न। ये कह रहा है कि एक घन के दो पड़ोसी सतहों पर लाल तथा लाल रंग तथा दो विपरीत सतहों पर एक पे नीला तथा एक पर पीला है। ठीक है, अब देखो प्रश्न की कंडीशन क्या कह रही है। एक घन है, दो पड़ोसी पर क्या है, लाल रंग है, दो पड़ोसी पर हमने रेड कलर कर लिया, और दो विपरीत पे क्या है, एक पर ब्लू है और एक पर क्या है, येल्लो है। ठीक है, शेष पर कोई रंग नहीं है। इसे 512 घनों में काटा गया। ठीक है, अब इसे 512 घनों में काटा गया मतलब आपके एन क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 512 हो गई। अब अगर एन क्यूब की वैल्यू 512 है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अगर एन क्यूब की वैल्यू 512 है तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आपसे कह रहा है कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी दो सतह रंगीन होगी। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी दो सतह रंगीन होगी, लेकिन अब शर्त कह रहा है कि वो दोनों सतह क्या होना चाहिए, अलग अलग रंग से होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दो सतह रंगीन का फार्मूला हमने बताया था कि दो सतह रंगीन का फार्मूला होता है एन माइनस टू इंटू ई टू और प्लस सी टू। ई टू का मतलब क्या है, ऐसे किनारे जिनकी कितनी सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो, और सी टू का मतलब क्या है, ऐसे कोने जिनकी कितनी सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो। अब एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस टू इंटू ई टू निकालते हैं, मतलब ऐसे किनारे जिनकी दो सतह रंगीन हो, तो चलो निकालते हैं। ये पहला किनारा है, इसका तो केवल एक ही रंगीन है। ठीक है, ये कलर है, ये ब्लैंक है। ये दूसरा किनारा, इसका देखो दो रंगीन है, ये भी कलर है, ये भी कलर, ये भी, इसका भी। अब देखो शर्त ये है कि दो कलर होना चाहिए लेकिन दोनों का रंग अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग। तो देखो ये दोनों कलर है, दोनों का रंग क्या है, अलग अलग है, एक रेड है और एक क्या है, ब्लू है। देखो अब ये भी किनारा है जिसका दो कलर है लेकिन दोनों रेड्स है, तो आप इसको काउंट नहीं करोगे। देखो अब इसको आओगे तो ये रेड है, ये येल्लो है, तो आप इसको काउंट करोगे। ठीक है, दो कलर होना चाहिए, दोनों का रंग अलग अलग। इसकी तरह इसको उठाओगे तो ये क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा। फिर देखो ये रेड है, ये ब्लैंक है, तो ये भी नहीं काउंट होगा। ये रेड, ये येलो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। फिर ये कलर, ये ब्लैंक, ये भी नहीं, कलर ब्लैंक, कलर ब्लैंक, तो कितना हो गया E2। E2 की वैल्यू कितनी आई बच्चा, 1 आई, 2 आई, ये भी तो E2 होगा, ये भी तो आपका E2 होगा। तो 1, 2, 3 और 4, E2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। प्लस C2, C2 मतलब ऐसा कोना जिसका दो सरफेस कलर हो। तो देखो ये पहला कोना होता है, ये कलर और ये ब्लैंक, तो अब देखो दोनों कलर भी अलग अलग होने चाहिए, तो बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर इसी तरह इसको उठाओगे तो ये भी आपका क्या होगा, C2 होगा। इसको उठाओगे तो ये भी आपका क्या होगा, C2 होगा। इसको उठाओगे तो ये भी आपका क्या होगा, C2 होगा। इसको उठाओगे तो ये भी आपका क्या होगा, C2 होगा। इसको उठाओगे तो ये भी आपका क्या होगा, C2 होगा। फिर आपका आगे है ही नहीं, तो 2, 2, 4 और 2, 6। ठीक है, तो हमको इसकी संख्या मिल गई कितनी, 6। अब इसको जब सॉल्व करोगे बच्चा तो ये आपका 6 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, और ये भी आपका 6 आ जाएगा। तो 6, 6, 24 और 6 कितना आ जाएगा, 30 घन आ जाएगा। ठीक है, यही कह रहा था ना कि एक घन के दो पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है और दो विपरीत सतहों पर नीला रंग है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 घन। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। हमको बस ये चूज करने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि E2 कौन कौन सा होता है, C2 कौन कौन सा होगा, C3 कौन कौन सा होगा, C1 कौन कौन सा होगा, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें कन्फ्यूजन होगी तो आप अपने प्रश्न को गलत कर जाओगे। और ये कैसे चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये हमने प्रारंभिक क्लास में, पहली क्लास में सब कुछ डिस्कस कर लिया है डिटेल में, इसलिए हम उसके बारे में कोई डिस्कशन आपसे नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ना बच्चा। चलिए अगले प्रश्न पर। अब देखो कम से कम दो सतह रंगीन घन, तो देखो कम से कम दो सतह रंगीन घन, इसका क्या मतलब है कि कम से कम दो का मतलब दो हो, दो से अधिक चाहे जितना हो, लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होगा कम से कम दो सतह रंगीन का, ये n माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, इंटू सतहों की संख्या
एन माइनस टू इंटू सतहों की संख्या नहीं, किसकी संख्या, किनारों की संख्या, एन माइनस टू इंटू किनारों की संख्या, किनारों की संख्या प्लस सी टू और प्लस सी थ्री। यहाँ पर बस सी थ्री और जुड़ जाएगा, क्योंकि कम से कम दो का मतलब होता है दो हो, और दो से अधिक चाहे जितना हो। तो भाई एक घन में दो से अधिक चाहे जितना कितना रंग सकता है, तो तीन ही तो रंग सकता है। भाई एक घन का अगर कोई भी टुकड़ा लोगे तो आप ये नहीं पाओगे कि तीन से अधिक रंग आ गया हो। मैक्सिमम लिमिट तीन की ही होती है। किसी घन के किसी टुकड़े को तीन से ज़्यादा पार्ट को आप रंग नहीं सकते हो, ठीक है। तो अब ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करिए। अभी देखिए ये फार्मूला है, इसी को आपको हर जगह अप्लाई करना है। कब, जब कम से कम दो पूछा जाएगा। कम से कम दो का मतलब कि दो हो और दो से अधिक चाहे जितना हो, ठीक है। चलो अब आते हैं प्रश्न पर। क्या कह रहा प्रश्न आपका बच्चा, कि एक घन के तीन पड़ोसी सतहों पर क्या है, नीला रंग है। अब तीन पड़ोसी, ध्यान देना, तीन पड़ोसी का मतलब क्या है, तीन पड़ोसी मतलब तीनों एक दूसरे के पड़ोसी। तो ये ब्लू हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। अब यहाँ पर मत लिख देना, यहाँ पर लिख दोगे तो ये तीन लगातार होगा लेकिन पड़ोसी नहीं होगा। तीन पड़ोसी का मतलब तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हो। अब देखो, अगर यहाँ पर कोई लिख देता ब्लू तो ये दोनों तो पड़ोसी होंगे, ये दोनों भी होंगे, लेकिन ये और ये पड़ोसी नहीं होंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि तीन पड़ोसी सतह, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि तीन पड़ोसी में यहाँ पर बी को मत रखना, यहाँ पर बी को नहीं रखना है। बी कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा या यहाँ पर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, चलिए आ रही बात समझ में ना, चलिए। अब देखिए, एक घन में तीन पड़ोसी सतह पर क्या है, नीला रंग है, शेष पर कोई रंग नहीं है। इसे कुल कितने घनों में काटा जाता है, इसे कुल 84 घनों में काटा जाता है। तो एन क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84 नहीं होगा या 64 होगा, ये कितना होगा, 64 होगा। 84 का तो निकलेगा ही नहीं क्यूब रूट, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हो जाएगा 64। कुल 64 घनों में काटा जाता है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो कह रहा है कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी कम से कम दो सतह रंगीन होगी। तो मैंने बताया अभी आपसे कि कम से कम दो सतह का फार्मूला होता है E2 इंटू एन माइनस टू प्लस C2 और प्लस C3, यही तो होता है E2 ब्रेकेट में n माइनस टू प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब देखो निकालते हैं, E2 पहले निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ये पहला आपका है, तो ये आपका कलर है, ये ब्लैंक है, तो ये आपका E1 मिल जाएगा। ये आपका दूसरा है तो ये आपको E2 बिल्कुल मिलेगा, ये भी आपको E2 बिल्कुल मिलेगा क्योंकि दोनों कलर है, ये भी दोनों कलर है। ये आपका क्या मिलेगा, E1 मिलेगा क्योंकि ये कलर है और ये ब्लैंक है। ये क्या मिलेगा, ये भी आपका E2 मिलेगा। ये क्या मिलेगा, आपका E1 मिलेगा। ये भी क्या मिलेगा, आपका E1 मिलेगा। फिर यहाँ से क्या मिलने लगेगा, E1 मिलने लगेगा। यहाँ भी क्या मिलने लगेगा, E1 मिलने लगेगा। फिर यहाँ भी क्या मिलने लगेगा, E1 मिलने लगेगा। ये भी आपका E0 मिलेगा क्योंकि दोनों ही ब्लैंक है। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ भी E0 ही मिलेगा, ठीक है। और इसको काउंट किया तो इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो E2 कितने मिल गए, तो 1, 2, 3, 4 तीन ही तो मिले ना, बस 1, 2 और 3। इसके अलावा और कोई मिले, इसके अलावा और कोई नहीं मिला। तो E2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गए। N की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 2, ठीक है, प्लस C2। ऐसे कोने जिनकी कितनी दो सतह रंगीन हो, तो ऐसे कोने को चेक करते हैं। ये पहला कोना, इसकी बिल्कुल दो सतह रंगीन है, ये कलर है, ये कलर है, ये तो ब्लैंक है। ये भी दूसरा कोना, तो ये कलर है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, तो ये आपका C1 मिल जाएगा। इसी तरह ये, तो आपका C3 मिलेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये C2 हो जाएगा। ये क्या मिलेगा आपका, ये भी C2 होगा क्योंकि ये कलर है, ये कलर, ये ब्लैंक। और इसको लोगे तो क्या होगा, ये आपका C1 हो जाएगा। इसको लोगे तो ये क्या होगा, C1 होगा। और ये भी क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। तो देखो C2 की वैल्यू कितनी आई बच्चा, तो C2 की वैल्यू आई कितनी, एक ये हो गई और एक ये हो गई। C2 की वैल्यू कितनी आ गई, C2 की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। और C3 की वैल्यू कितनी आ गई, तो C3 की वैल्यू केवल आ गई 1। C3 की वैल्यू केवल कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है, 1। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा। और ये तीन टोटल कितने घन मिल जाएंगे, टोटल 9 घन ऐसे मिलेंगे जिसकी क्या होगी, जिसकी कम से कम दो सतह रंगीन होगी। क्लियर है, इस फिगर में कम से कम 9 घन ऐसे मिलेंगे जिनकी कितनी सतह रंगीन होगी, जिनकी कम से कम दो सतह रंगीन होगी, ठीक है, क्लियर है ना बच्चा। तो फिगर सही से बनाना और इनकी वैल्यूज को
प्यार से बिल्कुल आराम से निकालना, कोई जल्दीबाजी मत करना, ठीक है? नहीं तो क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, ठीक है? चलो देखो, इसमें भी कम से कम दो सतह की बात कर रहा, निकालते हैं फटाफट। क्या कंडीशन दे रहा है कि दो पड़ोसी सतह पर कोई रंग नहीं है, शेष पर क्या है? नीला। तो शेष पर नीला रंग ले रहे हैं और दो पड़ोसी पर कोई रंग नहीं है, ठीक है? इसे 64 घन में काटते हैं, तो एन क्यू की वैल्यू क्या है? 64 है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है? अब देखो, तो ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी कम से कम दो होगा? तो कम से कम दो का मतलब ये होता है एन माइनस टू, ठीक है, इंटू ई टू प्लस कितना, प्लस सी टू और प्लस सी थ्री। यहाँ पर सी थ्री को भी काउंट कर लेंगे क्योंकि कम से कम दो तो है ही, दो से अधिक भी हुआ तो चलेगा। अब देखो एन की वैल्यू क्या निकाला है? 4 निकाला है, माइनस टू इंटू ई टू। अब ई टू क्या है? ई टू मतलब ऐसा किनारा जिसका कितना सरफेस कलर हो, दो सरफेस कलर हो। तो देखो ये पहला किनारा, ये आपका ई वन मिलेगा, ये आपका ई टू मिल जाएगा, ये भी आपका क्या मिल जाएगा? ई टू मिल जाएगा, ये भी क्या मिल जाएगा? ई टू मिल जाएगा, ये भी क्या मिलेगा? ई टू मिलेगा, ये भी क्या मिलेगा? ई टू मिलेगा, ई वन मिलेगा, ई वन इसको से मतलब नहीं है, तो ई टू कितना मिला? 1 2 3 4 5, ई टू की वैल्यू आ गई 5 प्लस। अब सी टू को चलते हैं, तो ये क्या मिलेगा आपको? सी टू मिलेगा, ये भी क्या मिलेगा आपको? सी टू मिलेगा, ये क्या मिलेगा बच्चा? सी थ्री मिलेगा, ये भी क्या मिलेगा? सी थ्री मिलेगा, ये क्या मिलेगा? सी टू मिलेगा, ये भी क्या मिलेगा? सी टू मिलेगा। तो 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 ये हो गया, ठीक है, और प्लस 1 2 3 4, 4 ये हो गया और 1 2 ये हो गया, ठीक है? तो 2 5 दुना के 10, और ये क्या इतना? 6। टोटल कितना आ जाएगा? 16 घन, ठीक है, 16 घन ऐसे होंगे जिनका कम से कम क्या होगा? दो सतह रंगीन होगा, ठीक है? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एन माइनस टू इंटू ई टू प्लस सी टू और प्लस सी थ्री, क्लियर है? चलिए अब देखो क्या कह रहा है कि केवल एक सतह रंगीन घन, ठीक है, केवल एक सतह रंगीन घन। अब देखो केवल एक सतह का मतलब केवल एक ही हो, ना एक से अधिक हो ना एक से कम हो। तो देखो केवल एक सतह कहाँ पर मिलता है? आपको सीधा सीधा पता है कि केवल एक सतह अगर आपसे पूछा जाएगा केवल एक सतह अगर रंगीन घन पूछा जाए, ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा एन माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू सतहों की संख्या, एन माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू सतहों की संख्या, ठीक है? ये रिप्रेजेंट करता है केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या, ठीक है? इसका फार्मूला होता है एन माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू सतहों की संख्या। अब देखो इसमें कह रहा है कि एक घन के 3 लगातार सतहों पर, फिगर बनाते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है? एक घन है और 3 लगातार सतहों पर क्या है? हरा रंग है। तो 3 लगातार और 3 पड़ोसी अंतर होता है, कोई रंग नहीं है, शेष 216 घनों में काटा जाता है, तो एन क्यू की वैल्यू क्या है? 216 है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है? तो ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी? अब देखो यहाँ पर वैल्यू मिल गई 6 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू सतहों की संख्या। तो कितने सतह है जिनका एक सतह कलर है? 3, सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 1 2 3, ठीक है? अब देखो केवल एक सतह में ये भी होगा, ठीक है, प्लस ई वन भी लोगे और प्लस सी वन भी लोगे, ठीक है, प्लस ई वन भी लोगे और प्लस क्या लोगे? सी वन भी लोगे। तो इसकी वैल्यू तो आ गई प्लस ई वन। ई वन का मतलब ऐसे कितने किनारे हैं जिनकी एक सतह कलर है। तो देखो ई वन कैसे निकलेगा? ऐसा किनारा जिसका एक कलर हो, तो देखो ये पहला ई वन होगा, होगा ये भी, ये ई टू हो जाएगा, ये तो दोनों कलर हो गया, ये भी क्या हो जाएगा? ई वन, ये ई वन हो जाएगा, ये भी ई वन, ये भी क्या होगा? ई वन होगा, 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 और ये भी क्या होगा?
इवन होगा। अब इसके अलावा कोई ऐसा इवन नहीं मिलेगा जिसका एक कलर हो। तो देखो कौन मिला, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने इवन मिल गए, 8 मिल गए। ठीक है, इवन की वैल्यू कितनी आ गई, 8 प्लस C1, ऐसा कोना जिसका एक कलर हो। ठीक है, ये उठाओगे तो ये पहला C1 हो जाएगा, ये उठाओगे तो ये पहला C1 हो जाएगा, ये आपका C2 मिलेगा, ये भी आपका C2 मिलेगा, ये भी आपका C2, ये भी आपका C2। अब देखो ये फिर आपका C1 मिल जाएगा और ये भी फिर आपका C1 मिल जाएगा। तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, तो ये आपका 4 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 3 और 8 चार 12, तो 16 दुना के 32 48 और प्लस 12, तो 48 और 12 कितना हो जाएगा, टोटल कितने घन मिलेंगे, 60 ऐसे घन मिलेंगे जिनका क्या होगा, जिनका केवल एक सतह रंगीन होगा। क्लियर है, 60 ऐसे घन मिलेंगे जिनका केवल एक सतह रंगीन होगा। देखिए केवल एक सतह में आप किसको किसको लोगे, आप सतहों को तो लोगे ही, सतहों का फार्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर × सतहों की संख्या। लेकिन कुछ आपके ऐसे किनारे भी मिलेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, कुछ आपके कोने भी मिलेंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, आपको उसको भी काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, कम से कम एक सतह रंगीन घन, कम से कम एक सतह रंगीन घन। ठीक है, तो देखिए कम से कम अगर एक सतह रंगीन घन आपको निकालना हो तो आपको कुल घन को मालूम होता है, कुल घन आप तो जानते ही हो कुल घन निकालना। अब अगर कुल घन में से हम रंगहीन घनों को हटा दें, कुल घन में से अगर हम रंगहीन घनों की संख्या को हटा दें, रंगहीन घनों की संख्या को माइनस कर दें, रंगहीन घनों की संख्या को माइनस कर दें, तो बाकी जितने घन मिलेंगे उनका कम से कम एक सतह तो रंगीन होगा ही होगा। ठीक है, अगर हम कुल घन में से रंगहीन घनों को हटा दें, तो भाई कुल घन में से रंगहीन हटा दिए तो बाकी जितने मिलेंगे उनका कम से कम एक सतह तो रंगीन होगा ही ना। ये बताओ बच्चा कि अगर हम ध्यान से समझो जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा है कि कम से कम एक सतह रंगीन घन, ठीक है, मतलब उसका एक सरफेस तो कम से कम कलर हो। अब एक कलर हो, दो कलर हो, तीन कलर हो, यही तो कंडीशन होगी। तो हम ऐसे को हटा दें जिनका कोई भी कलर नहीं है, तो अगर टोटल में से अगर हम इसको ऐसे ऐसे को हटा दें जिनका कोई भी कलर नहीं है, तो जो बाकी बचेंगे उसका कुछ ना कुछ तो कलर होगा, तो उसका कम से कम एक तो कलर होगा ही। तो ये फार्मूला होता है रंगहीन घनों की संख्या निकालने का। ठीक है, अब देखो अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। देखो क्या कह रहा है कि एक घन के 3 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है, शेष सतह पर कोई रंग नहीं है, और इसे कुल कितने घनों में काटा जाता है। अब देखो यहाँ पे कुल घनों की संख्या दिया गया है, कुल कितने घनों में काटा जाता है, कुल घनों की संख्या 185। अब अगर कुल घनों की संख्या 185 है तो n की वैल्यू हो जाएगी √185, और ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है कैसे, कितने घन मिलेंगे जिनका कम से कम एक सतह। तो कम से कम एक सतह का फार्मूला होता है कि कुल घन माइनस रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या। अब सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि रंगहीन घन कैसे निकालते हैं। बच्चा रंगहीन घन कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले हम रंगहीन घन निकालना सीखते हैं। रंगहीन घनों की संख्या हम निकालना सीखते हैं। अब देखो कैसे सीखेंगे रंगहीन घन निकालना। तो देखो ये आपका डाइस है, ये आपका ओपन डाइस है। सतह क्या है, कंडीशन क्या है कि 3 पड़ोसी सतहों पर कौन सा है, लाल रंग है। 3 पड़ोसी सतह, तो 3 पड़ोसी और 3 लगातार में मैंने बता दिया क्या अंतर है। तो ये 3 पड़ोसी सतह लाल रंग है, शेष पर कोई रंग नहीं है। ठीक है, अब देखो इस रंगहीन कैसे सीखते हैं, पहले रंगहीन देख ले। ठीक है, क्योंकि रंगहीन निकालना है, कुल घन तो आपको मालूम ही है कितना है, 125 है। अब रंगहीन देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले रंगहीन घन निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि इसमें विपरीत सतहों के कितने जोड़े हैं। तो विपरीत सतहों का जोड़ा नंबर ये 1 हो गया, ये विपरीत सतहों का जोड़ा नंबर 2 हो गया, और ये विपरीत सतहों का जोड़ा नंबर 3 हो गया। अब देखो करना क्या है, आपको n की वैल्यू मिल गई तो आप रखोगे यहाँ पर 5। ठीक है, माइनस पहले जोड़े को उठाओगे, किसी भी पहले जोड़े को, मान लीजिए इसको इसको उठाते हैं, तो क्या इसमें दोनों सरफेस कलर है,
क्या इस जोड़े में दोनों सरफेस कलर है, तो आप कहोगे सर दोनों सरफेस नहीं कलर है, केवल एक सरफेस कलर है, तो आप लिख दोगे 5-1। अगर ये दोनों कलर होता तो आप यहाँ पे लिख देते 5-2। क्लियर है? अब आओ अगले में, ठीक है। इस जोड़े को उठाए, क्या इसका दोनों सरफेस कलर है, तो आप कहोगे सर नहीं, यहाँ पे दोनों सरफेस नहीं कलर है, यहाँ पे एक ही सरफेस कलर है, तो यहाँ भी लिख दोगे 5-1। ठीक है, चलिए अब तीसरे जोड़े को उठाओ, क्या इसका दोनों सरफेस कलर है, तो यहाँ भी वही बात कहोगे नहीं सर केवल एक सरफेस कलर है, तो यहाँ भी लिख दोगे 5-1। ठीक है, अब देखो अब इसका जो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 4, 4, 4, तो 4 चौके 16 और 16 चौका 64, तो आपको रंगहीन घनों की संख्या क्या हो गई, 64 मिल गई। देखो क्या किया मैंने, आपका ये घन था, विपरीत सतहों के जोड़े को ले लिया, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर रखना है n, n की वैल्यू क्या है 5। फिर एक जोड़े को उठाओगे, अगर एक जोड़े का दोनों कलर होगा तो -2 रखोगे, अगर एक जोड़े में केवल एक कलर होगा तो -1 रखोगे, और अगर एक जोड़े में कोई भी कलर नहीं होता तो यहाँ पे क्या करते 0 रखते। इसी तरह दूसरे जोड़े को उठाओगे फिर वही कहानी करोगे, फिर तीसरे जोड़े को उठाओगे फिर वही कहानी करोगे, और तीनों को आपस में क्या कर देना, गुणा कर देना, तो 4 चौके 16 चौका 64, और कुल घनों की संख्या कितनी है 185 माइनस क्या करना है 64, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा आपका 1 आ जाएगा, और 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो 61 घन ऐसे मिलेंगे जिनका कम से कम एक सतह रंगीन घन होगा, ठीक है। 61 घन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका कम से कम एक सतह रंगीन घन होगा। तो यहाँ से आपको रंगहीन घन भी निकालना सीख आ गया, और यहाँ से आपको रंगहीन घन भी निकालना आ गया, और कम से कम एक सतह रंगीन घन भी निकालना आ गया, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। कह रहा है कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी, तो देखो रंगहीन घन, कोई सतह रंगीन नहीं होगा क्या मतलब है, रंगहीन घन निकालना है, तो देखो n की वैल्यू कितनी है 216 है, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या है, एक सतह को छोड़कर बाकी सब पे क्या है काला रंग है, ठीक है, तो एक सतह को छोड़कर बाकी सबको क्या कर दो, ब्लैक कर दो, बाकी सबको ब्लैक कर दिया, ठीक है। n की वैल्यू 216 है तो n क्यूब की वैल्यू 216 है तो n बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रंगहीन घन निकालना रहता है तो पहले देखते हैं विपरीत सतहों के कितने जोड़े हैं, तो ये आपका पहला जोड़ा हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा जोड़ा हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया तीसरा जोड़ा हो गया। और मैंने बताया था कि सबसे पहले आप शुरू करेंगे, आपको देखो कोई सतह रंगीन नहीं है, मतलब रंगहीन की बात कर रहा है, ठीक है, रंगहीन घन, ठीक है, जिसका कोई भी कलर नहीं है, तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले n माइनस, अगर हमने पहले जोड़े को उठाया, विपरीत सतहों के जोड़े को चेक करना है, पहले को उठाते हैं बैगनी वाले को, देखो दोनों कलर है ना, तो दोनों कलर है तो माइनस क्या रखेंगे 2 रखेंगे, अगर एक कलर होता तो -1 रखते। चलो अगले जोड़े पर आ जाओ, अगले जोड़े का भी दोनों कलर है तो यहाँ पे क्या रखेंगे -2, ठीक है। फिर अगले पर आ जाओ, अगले जोड़े का केवल एक कलर है तो यहाँ पे क्या रखेंगे -1। अब n की वैल्यू क्या है 6 है, 6-2 हो जाएगी, n की वैल्यू क्या है 2 है, 6-2 और 6-1, इसको जब सॉल्व करोगे बच्चा तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 और 20 चौका कितना हो जाएगा 80 घन ऐसे मिलेंगे जिनका कोई भी सरफेस कलर नहीं होगा। 80 घन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका कोई भी सरफेस कलर नहीं होगा, ठीक है। कर लोगे इस टाइप का प्रश्न, बताइए कर लेंगे ऐसे टाइप का प्रश्न, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ, हो जाएगा ना। चलिए तो देखिए इस सेशन में केवल इतना ही, आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसी पर आधारित, इससे बाहर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और जो मेथड जो तरीका हमने बता दिया है ना, गारंटी देते हैं कि अगर इस तरीके को आप एक दो बार और वीडियो को 2-3 बार देखिएगा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि रीजनिंग में सबसे टफ जो टॉपिक मुझे खुद लगता है वो सबसे टफ यही है, और अगर मैं आपको समझा ले गया, मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका कोई क्वेश्चन क्यूब से तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए सभी लोग अपने तैयारी को जारी रखिएगा, सभी लोग साथ में अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, क्यूब आपका यहीं पर ख़त्म होता है, इसके बाहर क्यूब जितना भी पढ़ा दिया उसके बाहर आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।